मेरी मेरा कान बंद कर दें सर। नहीं भाई, एक्शन के बाद ये बंद कर दीजिए, ठीक है? बस ठीक है। और जब बात किया करें तो खोल के फिर बात किया करें, वो आधी बात आ गई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व ममातुहु व निजातुहु व इज्जतुहु व मंजिलतुहु कैफा हालिक नमस्ते सस्रीकाल हेलो एंड हाय। मैं हूं राजा, राजा हैदर। प्रोग्राम है जिंदगी रॉक्स और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर लाइट एशिया की पूरी टीम की जानिब से और राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज दलोवेंजर आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। ये फैसला हो गया कि एक और रात आपके मुकद्दर में कर दी गई है, एक और जिंदगी आपके मुकद्दर में कर दी गई है। ये फैसला ऊपर से आया, हमारे दिलों पर असर किया और अब हम उसका सबूत है कि एक स्क्रीन के सामने बेशुमार निगाहें फैलाए देख रहे हैं कि शायद कोई अजूबा होने वाला है। हर रात की तरह कोई ना कोई कर्तव्य हो जाएगा। हम सब किसी खास मदारी के इंतजार में हैं, किसी खास शुभदाबास के इंतजार में हैं जो आए एक छड़ी घुमाए और हमारे नसीब के फैसले हो जाए। ये फैसला है क्या? फैसला क्या है? हमारी मुट्ठियों में बंद ये तकदीर की लकीरें, हमारे माथे पे लिखी हुई तकदीर की तहरीर, इसका फैसला हो चुका है, हमें करना है। हमारी पूरी जिंदगी एक फैसले की मोहताज होकर रह जाती है। कभी कभी हम छोटे छोटे फैसले करते हैं बड़ी बड़ी बातों के लिए, कभी बड़ी बड़ी बातों के फैसले अचानक ही हो जाते हैं और हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो निगाहें मिलती हैं, मोहब्बत दिल पे असर कर जाती है और ये फैसला हो गया कि आपका जीवन साथी कौन है, फिर उसी फैसले के साथ जिंदगी निभानी या हंस हंस के या फिर रो रो के। कभी गम का फैसला तो कभी उदासी का। सियासत में भी बड़े बड़े फैसले किए जाते, कौमों की तकदीरें बदल जाती हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े जितने भी मसायब हुए, खुशियां हुई, वो एक फैसले का नतीजा है। जंग है तो वो भी फैसला है। हमारा फैसला, आपका फैसला, दुनिया भर का फैसला, बच्चे बड़े होके क्या करेंगे ये फैसला हमें करना है या उनको करने देना चाहिए। हमने क्या फैसला किया अपनी तालीम के लिए, हमने क्या क्या खाना है, दिन भर से रात भर के काम क्या करने हैं, ये फैसले भी हम दिन भर करते रहते हैं। यानी फैसला हमारी जिंदगी का फैसला करने बैठ गया। कैसे? हमारे पास शायद सोचने का एक अमल नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं बेहतरी होता गलत है, ऐसा क्यों, ये फैसला किसने किया है। वैसे एक आदमी चलते फिरते गया, उसको अचानक कहीं से सोने की ईंट पड़ी हुई मिल गई, खुश हो गया, घर आया, रात भर नींद नहीं आई, उसने भी बड़े फैसले किए, फैसले पे फैसले किए, बड़ा सा महल बनाऊंगा, इसको बेचकर बहुत से नौकर चाकर होंगे, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, पूरी दुनिया को बता दूंगा और जो दिल करेगा खाऊंगा पीऊंगा। इतना दीवाना हो गया उस ईंट को पाने में कि वो फैसले करते करते भूल गया कि खाना कब है, पीना कब है, नींद आ गई, आंख लग गई उसकी। उसने ख्वाब में देखा कि वो एक कब्रिस्तान से गुजर रहा है और अचानक उसने देखा कि एक बंदा कब्र की मिट्टी को लेकर गूंद रहा है और वो ईंटें बना रहा है ताकि किसी और कब्र में या किसी के घर में कमाई का एक हिस्सा बन सके। उसकी आंख खुली तो पसीने में शराबूर होकर सिर्फ यही सोचा कि मैं कैसा दीवाना हूं, आज लोग कब्र की मिट्टी से भी ईंटें बना रहे हैं, यानी मेरे मरने के बाद भी लोग मेरी कब्र की मिट्टी से भी ईंटें बनाएंगे, खोखली हो जाएगी कब्र, तो इस ईंट का मैंने क्या करना। उसने सही टाइम पर सही फैसला लिया। हम ये नहीं कहते कि दामन चाक करके जंगलों में निकल जाने वाले ही असल फैसलागर होते, फैसला तो होना है। आपको अच्छे के लिए भेजा है, दुनिया में घूमने फिरने के लिए भेजा है, उसकी नेमतों को खाने इस्तेमाल करने के लिए भेजा है, लेकिन हम दूसरों की कब्रों पे खड़े होके अपने महल बनाने के फैसले करते हैं। कभी कभी किसी को ताबूत में डालकर आखिरी कील ठोकने का फैसला भी हमारा होता है। हम किसी के नसीब से खेल जाए, किसी यतीम बच्चे के सर से चादर उखेड़ दे, हमारे फैसले होते हैं। हम हमेशा से अपना ही फला सोचते हैं। ये फैसला है क्या? क्या हमारे फैसलों के आगे किसी और का फैसला चलता है?
चलता है क्या? चलेगा, बहुत जल्द चलेगा। जब हमारे सामने एक शख्स आएगा, दुनिया भर को दिखाई नहीं देगा और हमारे सामने वो मलकुल मौत की सूरत में आएगा और कहेगा तेरा एक और फैसला। आप कहेंगे कौन है तू, बाकी सब क्यों नहीं देख रहे तुझे? कहेगा इस वक्त तो तू ही देख रहा है क्योंकि तेरी लॉटरी निकली है। चल, बड़े फैसले वालों ने तेरा फैसला कर दिया, अब तेरे सारे फैसलों का जवाब उसी का एक फैसला कर रहा है। तब हमारे जिस्म से फड़फड़ाती हुई रूह को खींचकर घसीटकर ना चाहते हुए भी उस बड़े शहंशाह के सामने ला दिया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ सही फैसला करता है। अब इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सही फैसला करें और कभी घाटे का सौदा ना हो, तो बस एक बार कहिए कि परवरदिगार आज से हमारी जिंदगी सिर्फ तेरे हवाले, तो जैसे फैसले करेगा हमें कबूल है, तब गम मिले या खुशी उस फैसले पे सर खम कर दीजिए। मोहब्बत का कोई पौधा लगाना भी जरूरी है, उसे फिर शक की आंधी से बचाना भी जरूरी है। फसाने चाहतों के दुख देते हैं मगर तुमको, जुदाई का कोई किस्सा सुनाना भी जरूरी है। चलो आपस में तलखियां रंजिशें हो ही जाती हैं, तमाशा क्या जमाने को दिखाना भी जरूरी है। जो तुम होते तो दिल की बात तुमको मैं बता देता, मगर अहवाल क्या सबको सुनाना भी जरूरी है। किसी के नाम को कागज पे लिखना और मिटा देना, क्या ऐसे काम पे खुद को लगाना भी जरूरी है। यूं ही उड़ते हुए पंछी मंडेरों तक नहीं आते, मोहब्बत के लिए कुछ दामो दाना भी जरूरी है। अगर किसी पंछी को पालने का शौक हो तो फिर अगर वो चूरी ना खाए तो तन का मांस भी खिलाना पड़ता है। क्या समझते हैं तो कि वैसे ही मुफ्त में मिल जाएगी मोहब्बत? ऐसा होता नहीं है। तेरा कद आज मेरे कद से बड़ा ऊंचा हो गया, अम्मा का जूता पहनने के काबिल हो गई है तू। अम्मा भी परेशान कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। अच्छा सा रिश्ता, यहां तुझे दिखाता हूं, एक लड़का मेरी नजर में है तेरे लिए। अब थोड़ा तुमसे खूबसूरत है, आंखें भी खूबसूरत हैं उसकी, बोलता भी अच्छा है तुमसे, हाइट में तुमसे थोड़ा ऊंचा ही होगा। मसला यह है कि वो तुमसे बड़ा प्यार करता है लेकिन तुम नहीं करती। रिश्ता चाहिए क्या? रिश्ता चाहिए, पर यह फरिश्ता नहीं चाहिए जो बरसों से खड़ा होके एक ही चीज पे चीखे जा रहा है कि तू सुन रही है तू नहीं सुन रही है। अरे लल्लू, यहां जो बात मैं कहना चाहता हूं उसके लिए इतना पीछे काहे को जाती? बात यह है कि मोहब्बत के लिए दो दुल्हनों का होना जरूरी है। ये रिश्ता, ये मुलाकात, ये सारी कैटेगरीज पे पूरा उतरना, ये तो दुनियावी काम है। तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के काम कुछ और है। तू सुन रही है? हमने गजलों में तुम्हें ऐसे पुकारा जाना जैसे तुम हो कोई किस्मत का सितारा जाना। आओ कुछ देर लड़े मौजे बला खेस से हम, ऐन मुमकिन है उभर आए किनारा जाना। अब तो खुद को भी निखारा नहीं जाता हमसे, वो भी क्या दिन थे के तुझको सवारा जाना। अपने ख्वाबों को अंधेरों के हवाले करके हमने सदका तेरी आंखों का उतारा जाना। हमको मालूम है अब लौट के आना है तेरा, गैर मुमकिन है मगर फिर भी खुदाया जाना। अब तो हर शब है तुम्हारे लिए पूरन माशी, पर यहां कब से न निकला कोई तारा जाना। हम तो रुखसत की घड़ी तक नहीं समझे अशद, सांस देती रही हिजरत का इशारा जाना। हम तो हमेशा से हिजरत का इशारा समझते रहे, कभी ये दूरी कभी ये फासले,
लेकिन ये दूरी बहुत तड़पाती है। सियाने भी यही कहते हैं कि मोहब्बत का रोग दुश्मन को भी ना लगे। अगर किसी को किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो बजाहिर आंखों से निकलने वाले आंसू पानी कहलाते हैं, लेकिन उनमें खून के कितने कतरे होते ये कोई नहीं जानता। 100 खून के कतरों में जितनी ताकत और एनर्जी होती है, उतना गम में बहने वाले एक आंसू में होती है। अब सोच कि दिन में अगर 500 आंसू निकलेंगे तो हम तो कंगाल हो गए, ना जिसमें बचे रेड ब्लड सेल्स और ना बचे व्हाइट ब्लड सेल्स। इन सेल्स का हमने क्या करना जिस जिंदगी में तुम शामिल नहीं हो। मोहब्बत वाले दावे बड़े करते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि दावेदार तो बड़े आते हैं, हमें करके दिखाने वाले पसंद है, तो ले तेरे सामने खड़ा है, ले इम्तहान। वैसे तो सब कहते हैं मोहब्बत करने वालों को आजमाया नहीं जाता, उनसे इम्तहान नहीं लिए जाते, लेकिन मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, इम्तहान लेना है मेरा, जान लेनी है मेरी। ये तेरे सामने एक वजूद नहीं खड़ा है, एक खुली ऑफर है। तो अपनी नजरों के खंजर तो हमारे वजूद में गाड़ चुकी, अपने हाथ में भी एक खंजर चीर डाल मुझे। मैं कसम खाता हूं तेरी मोहब्बत की, अगर उफ तक भी की, और अगर मेरे दिल में तुम्हारा एक हल्का सा अक्स दिखाई न दिया तो गर्दन भी काट देना, क्योंकि ये जिस्म जान रब ने दिया जरूर है, ये रूह भी उसी के पास परवाज करेगी, मगर जिसके लिए भेजा है वही नहीं तो किस काम का। तू सुन रही है, मुझे यकीन है वो भी तड़प रहा होगा, उसे ये जिद थी कि हर हाल में जुदा होगा। मेरे वजूद से कांटे निकालने वालों, मेरा वजूद बिखरने लगा तो क्या होगा। मेरा खुलूस मेरी जान सुपुर्दगी मेरा गम, मेरा शऊर किसी को तो मानना होगा। मिलेंगे हम अगर उस दम सुलगती आंखों में, न जाने कितनी ही सदियों का रत जगा होगा। जमीन की सिमत न आए ना अर्श को जाए, ये चांद मेरी भटकती हुई दुआ होगा। मेरी भटकती हुई दुआ यही है कि न जमीन पे है ना आसमान पे है, तू है तो कहां है। रोजाना एक ही ताल पे नाच नाच के थक गए हैं, अब उकताहट महसूस नहीं होती है, अब तो कुछ भी महसूस नहीं होता है, बस ख्वाबों के सहारे जिंदा है। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और कभी कभी नींद में भी जगरते का एहसास हो जाए तो समझ लो ये मोहब्बत बड़े खतरनाक स्टेज पे खड़ी है, जहां सिर्फ ताल पे नाचने वाले, कांपने वाले, बोलने वाले, सोचने वाले हर एक एक ही कटहरे में खड़े होकर चीखते चिल्लाते हैं, हमें कहते हैं कि मोहब्बत बड़ा ही कमीना था। हम कहते हैं किसने कहा, ये नहीं है ऐसा कुछ भी, तुम लोग कटहरे में खड़े हो आज इसीलिए कि मुजरिम हो मोहब्बत के, तुमने मोहब्बत को समझ क्या रखा है। लेकिन उसके लिए कोई जज ऑर्डर 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 कह के खामोश नहीं करता, ना ही अपना फैसला लिख के कलम तोड़ता है। कलम टूट दी जाए तो सजाए मौत की सजा तो अटल है, मगर रोज तेरे इस जुदाई में जो मरता हूं, ये सजा किस जज ने लिखी है। ऊपर वाले ने तो भेजा है तुझे मेरे लिए, तो ये फासला क्यों है। जब मैंने तुझे तेरे अच्छे बुरे कर्मों के साथ कबूल किया तो फिर मैं क्या हूं, तू क्या, तू मेरे करीब आ, मैं उम्र भर के लिए तुझे अपनी निगाहों में बसाना चाहता हूं, सबसे छीन के ले जाऊंगा तुझे, अगर कभी तू मेरी ना हुई तो तू अपनी भी नहीं होगी। तो सुन रही है ना, और अभी सिलसिला वहीं का वहीं, यानी जहां से हमने सफर शुरू किया था, मैं इस तरह करके यहां के खड़ा हुआ, सलाम किया और अब खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया। 2 घंटों का यह वक्त किस तरह गुजरता है, बस इसी तरह हमारी जिंदगी कैसे गुजरती है इसका भी पता नहीं चलता। अभी आए, अभी निकल लिए, और निकल जाने के बाद का हमारे पास कोई सामान भी नहीं है, हम तो मुसाफिर हैं ना,
और मुसाफिर जब भी किसी सफर पे जाते हैं अपना दस्ती सामान लेकर जाते हैं, जहाजों में भी अनाउंसमेंट होती है कि बराए मेहरबानी अपना दस्ती सामान लेकर वापस जाइएगा। हमारे पास जो जहाज है जो रब से मुलाकात कराने के लिए लेकर जाएगा, उसमें हमारा दस्ती सामान क्या है? क्या हम खाली बैग के वहां जा रहे हैं? और अगर खाली बैग के जा रहे हैं तो फिर किसी के घर मेहमान अगर आप जाएं और खाली हाथ जाएं तो फिर कितनी शर्मिंदगी होती है कि कितने भूखे नंगे हैं, हमारे लिए कोई केक कोई मिठाई ला नहीं सकते थे। परवरदिगार के हां अगर हम मेहमान बन के जा रहे हैं तो फिर हमारे पास वो कौन सी मिठाई और केक है जो हम रब की खुशनूदी हासिल करने के लिए लेकर जाएंगे। हमने बहुत दिल तोड़े, हमने बहुत से अरमानों का खून किया, हमने अपने पराओं को हमेशा धोखा दिया, या फिर कभी किसी को सुखी ना रहते हुए हम उसको देखकर ही उदास हो गए। इन सब सवालों का जवाबों का सिलसिला कहीं ना कहीं जाके जुड़ता है। बस एक बैग बना लीजिए छोटा सा जिसमें आपका दस्ती सामान हो, उसमें बहुत सी मोहब्बत, बहुत सी इबादत और बहुत सी नेकियां लेकर जाइए तो रब बहुत खुश होगा। परवरदिगार आज भी तेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हूं उसी भिखारियों की सफ में मेरे मौला जिसमें रोजाना हम खड़े होते हैं। परवरदिगार इस वक्त जो जो मेरी दुआ सुन रहा है, आसमान पे तू है जमीन पे सब है, जो नहीं सुन रहा उन सबके मन के अरमान पूरे कर दे, उन सबके दिलों की ख्वाहिशें पूरी कर दे जो इस वक्त दुआ में आमीन कह रहे हैं। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस वक्त जो भी कोई दुखी है उसको सुख दे मेरे मौला। परवरदिगार तू ही गैब जानता है, तू ही हम सब के दिलों के हाल जानता है, बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जो जबान से अदा नहीं होती, बस उन सबको सुख दे दे परवरदिगार, मन का करार दे दे, जो रास्ता तेरी तरफ आता है उस रास्ते का मुसाफिर बना दे। तुझे वास्ता है बीबी फातिमतुज़्ज़हरा की पाक चादर का, जो बे औलाद है उनको औलाद अता कर दे, जो बेटों के तलबगार है उन्हें चांद जैसे बेटे और जो बेटियों के ख्वाहिशमंद है उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर और उनके नसीब बच्चे फरमा, जो वालदैन अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है उनकी जिंदगियों में शहजादे और शहजादियां ले आ मेरे मौला, खुशियां ही उनका मुकद्दर कर दे, और जो इस वक्त रिश्ते टूट रहे हैं मियां बीवी में अलहदगी हो रही है तबाही के दहाने पर खड़े हैं परवरदिगार, उनकी रगों से लहू की जगह सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बरसात कर दे, उन सबको एक कर दे परवरदिगार, जो फासले हैं वो खत्म हो जाए, जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाए, जो परेशानियां हैं वो फना हो जाए मेरे मौला। तू तो शहंशाह है ना, तूने ही पैदा किया है, तूने ही वादा किया है कि रोजी का जामिन भी तू ही है परवरदिगार, सांसें भी तू ही देता है, तेरे ही सफर की तरफ हमने आखिरत का एक सफर करना, बस इस दुनिया में जो कोई जो मांग रहा है परवरदिगार, जो उनके हक में बेहतर नहीं है उसको भी बेहतर करके उनको दे दे मेरे मौला, हम सबको एक दूसरे के काम आने की तौफीक दे, सब्र करने की तौफीक दे, साबिरों और शाकिरों में से हमें उठाना, इस दुनिया में जो बेरोजगार है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उनको रिस्क हिलाल अता फरमा दे, जो कारोबार में तरक्की चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा धन दौलत चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, परवरदिगार उनके खजाने भर दे, हम सबके हाथ जो तेरे सामने फैलते हैं किसी और के सामने फैलने न देना मेरे मौला, जो जब तेरे सजदे में झुकती किसी और के सामने सर को झुकने न देना मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके पाकिस्तान की सरजमीन को दुश्मनों की बदनजर से बचा, हर किस्म की फिकावारियत से बचा, हर किस्म की आफत से बचा, पाकिस्तान के हुक्मरानों को तौफीक अता फरमा के वो दीन के वतन के और वतन में रहने वालों के काम आ सके, तुझे वास्ता है बीमार करबला का, परवरदिगार जो भी इस वक्त छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है उन्हें सेहत शिफाए कामला अता कर दे, वो बिस्तरे मर्ग पर पड़े भी आसमान की तरफ निगाहें किए हुए तुझे ही हकीम और तबीब मान रहे मेरे मौला, उन सबको सेहत अता कर दे, जो हमारे सरहदों के महाफिज हैं, जो हमारे मुल्क के महाफिज हैं, चाहे वो अफवाज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस कंपनियां हैं या एजेंसियां हैं, परवरदिगार उनकी जिंदगियां दराज कर दे, उनके हौसले बुलंद कर दे, उनकी जिंदगियों की हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है मेरे मौला, क्योंकि रोजी रोटी और जान माल सब तेरा ही है परवरदिगार, बेशक तेरी तरफ लौट के आना है, पर उन सबके घर वालों को भी हमेशा सलामत रख, जो वालदैन इस दुनिया में नहीं है उनको जन्नतुल फिरदौस में मोहम्मद वाले मोहम्मद की कुर्बत नसीब कर, और जिनके हयात है उनको हमेशा उनके सरों पर कायम और दायम रख परवरदिगार, इस तरह उन पर रहम फरमा जैसे वो बचपन में हम पर रहम फरमाते थे, जो इस दुनिया से जा चुके हैं जहाने फानी से जा चुके हैं उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, जिसने इम्तहान दिए हैं परवरदिगार उनको कामयाबी अता कर दे, जो इम्तहान देने जा रहे हैं उनके जहनों को भी वुस्सत अता कर, हमेशा कामयाबियां उनका मुकद्दर बने, जो यतीमो यसीर हैं गैब से उनके मददगार भेज दे परवरदिगार, जमाने की ठोकरों से बचा ले, जिसने इस दुनिया में किसी एम्बेसी में वीजा अप्लाई किया है या दुनिया की अदालतों में कोई भी मुकदमा चल रहा है परवरदिगार, तो सबसे बड़ी अदालत तेरी, तू उन सबकी सुनवाई कर ले मेरे मौला, जो मुसाफिर कहीं जाए आ रहे हैं उन्हें खैर आफियत से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे, जो किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें छोटा सही पर खुशियों भरा अपना गहवारा अता कर दे, असीरान करबला के वास्ते मेरे मौला, जो इस वक्त मेरे बहन भाई जेलों में है असीरी की जिंदगी गुजार रहे उन्हें रिहाई का परवाना दे दे मेरे मौला,
तेरे सामने हाथ फैले हुए परवरदिगार, अपना फकीर अपना भिकारी बना के रखना, किसी और के सामने मोहताज न करना परवरदिगार। बड़ी कर्मंगेज जिंदगी होती है, किसी के सामने फैले हुए हाथों से हमेशा बचाना परवरदिगार। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को बख्श दे मेरे मौला, हम तुझसे राजी हैं, बस तू हमसे राजी हो जा। अगर हमारे दिलों पर मोहरें लगा चुकी है परवरदिगार, तो तेरे गजब से ज्यादा तो तेरी रहमत का समंदर जोश मारता है मेरे मौला। हम सब पे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके करम कर दे, अजाब कब्र अजाब जहन्नम से निजात दिला। जो तुझे पसंद है परवरदिगार वही हमें अता कर दे, मुश्किलों से बचा दे, हमारे कंधों पे उतना ही बोझ डाल जितना हम उठा सके परवरदिगार। तेरे हाथ में एक कलम है जिससे सबकी तकदीरें लिख रहा है मेरे मौला, बस उस कलम से हम सबके खताओं के ऊपर एक लकीर खींच दे। हम नहीं चाहते कि तेरे सामने सुर्ख रूह होकर ना आए परवरदिगार, हम नहीं चाहते कि मुनकर और नकीर के सामने हम पहले सवाल का ही जवाब ना दे सके कि तेरा रब कौन है। परवरदिगार तू ही हमारा रब है। इस वक्त दुनिया में जो कोई किसी से सच्चा प्यार इश्क और मोहब्बत करता है तो उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ आपका मेजबान राजा हैदर आपसे इजाजत चाहेगा। अगर सांसों ने वफा की तो कल शब 10 बजे आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। जाते जाते सिर्फ यही कहूंगा कि बुराई पहाड़ से उतरने की तरह है, हम एक कदम उठाते हैं तो बाकी कदम तेजी से बढ़ते जाते हैं, इसको कहते हैं बुराई। और अच्छाई वो है जो पढ़ाई पे चढ़ने वाला है, चढ़ाई पे हम चढ़ नहीं सकते, एक कदम उठाते हैं तो दूसरा बड़ा बोझल होता है, बड़ी मुश्किल से बढ़ता है। बस हम यही दुआ करते हैं कि आप सब चढ़ाई पे चढ़ने वालों में शामिल हो जाएं, नेकी आपका मुकद्दर बने। मेरा बहुत सा प्यार पामाया होता है।